हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने समय दिया कि उसके जीवित वचन के द्वारा हम कुछ भेद की बातें जानने पाए। वचन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं, विवाद पैदा करती हैं। उनमें से एक विषय है बपतिस्मा, जिस पर बहुत से लोग बोलने से कतराते हैं, डरते हैं, या ये समझ लीजिए कि बचना चाहते हैं उससे कि बपतिस्मे के ऊपर बहस ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। तो इन चीजों से हटकर बाइबल क्या कहती है, आज हम इस बात को जानना चाहेंगे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ यशवा चैनल के लिए, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर इस विषय को उठाने का। धन्यवाद देता हूँ मैं प्रभु का भी धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं प्रभु के जीवित वचन को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। हालेलुया। तो आइए आज के इस विषय को हम जानते हैं अच्छी तरह से कि बपतिस्मा है क्या, बपतिस्मे का अर्थ क्या है, और बपतिस्मा हमें कहां तक लेकर जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस बात से कि हम ये जाने कि बपतिस्मे का अर्थ क्या है, बपतिस्मे का अर्थ क्या है, बाइबल क्या बताती है, बपतिस्मे का अर्थ किसे कहते हैं, ठीक है, बपतिस्मा किसे कहते हैं। तो एक आयत मैं पढ़वाना चाहूंगा, पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 21 आयत पढ़िए। वहां पर क्या लिखा है बपतिस्मे के विषय में, वहां पर पत्रस ने क्या कहा, हम इस बात को जानेंगे। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा जी यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। अर्थ क्या है, सिर्फ शरीर का मैल दूर करने के लिए नहीं, इसका मतलब ये कि हम नहा लिए और शरीर का जो मैल है वो दूर हो गया, आत्मा का नहीं, शरीर का मैल दूर हो गया, वो चीज नहीं है ये। इसका जो अर्थ लिखा है कि शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में हो जाना। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम एक पुरानी जिंदगी जी रहे होते हैं, और जब बपतिस्मे के लिए हम पानी में डूब जाते हैं, बपतिस्मे का अर्थ है डूब जाना, है ना। जब हम डूब जाते हैं तो हम मर गए, और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा एक नया जीवन होता है। और उसके बाद जब बपतिस्मा ले चुके होते हैं हम, जब हम बाहर निकल जाते हैं पानी के, तब हमारा जीवन बिल्कुल बदला हुआ होना चाहिए, हमारी सोच बदली भी होनी चाहिए, हमारा चाल चलन बदला हुआ होना चाहिए, सब कुछ नया हो जाना चाहिए, क्योंकि हम क्या हो गए, मर के हम जी उठे हैं। पौलुस अपने पत्री में कहता है गलतियों 2:20 में कि अब मैं जीवित नहीं रहा वरन यीशु मुझ में जीवित है। तो जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तब हम शुद्ध मन के हो जाते हैं, शुद्ध शरीर के हो जाते हैं, हमारे विचार भी शुद्ध हो जाते हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि हो जाने चाहिए। बहुत से लोग बपतिस्मा तो ले लेते हैं लेकिन अपने पिछले जीवन को नहीं छोड़ते, वही गालियां देना, वही नशा करना, वही लड़ाइयां करना, क्योंकि लोग समझते हैं कि बपतिस्मा लेना यानी स्वर्ग पहुंच जाना। बपतिस्मा हमें स्वर्ग नहीं पहुंचाता, सिर्फ बपतिस्मा हमें स्वर्ग नहीं पहुंचाता, क्योंकि बपतिस्मा एक तरह से एक टिकट है स्वर्ग का, लेकिन सफर के दौरान कुछ भी हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, हमारा इरादा बदल सकता है कि हम वहां ना जाकर उतर जाएं, बहुत सारी बातें सफर में हो सकती हैं कि हम जिस गंतव्य पर हम जाना चाहते हैं हम नहीं जा पाते वहां पर। इसी तरह से स्वर्ग जाने का जो टिकट है वो बपतिस्मा है, लेकिन सफर हमें तय करना पड़ेगा विश्वास और कर्मों के साथ, तब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। क्योंकि बपतिस्मा ले लिया इसका मतलब हमने टिकट ले लिया। मान लीजिए अगर आप दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हैं और आपने ट्रेन का टिकट ले लिया और आपने टिकट लेकर बैंगलोर की ट्रेन में बैठ गए, रास्ते में ट्रेन खराब हो जाती है या आप कहीं स्टेशन पर छूट जाते हैं, रुक जाते हैं, तो आप वहां पर नहीं पहुंच पाते, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप रुक जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, आपका टूर कैंसिल हो जाता है। तो टिकट तो ले लिया आपने लेकिन आप अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचे, बपतिस्मा तो ले लिया आपने लेकिन ये गारंटी नहीं कि बपतिस्मा आपको स्वर्ग पहुंचाएगा।
कहने का मतलब ये है कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं उसके बाद, जैसे कि हम सब जानते हैं मरकुस 16:15 में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो बपतिस्मे के बाद विश्वास, और याकूब की पत्री में लिखा है 2 अध्याय में कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। तो कर्म, विश्वास, बपतिस्मा, ये तीनों चीजें एक साथ चलती है। जब हम सफर करते हैं, हम जब स्वर्ग के सफर में हैं, तो तीन काम हमको करने हैं। सबसे पहला काम हमें करना बपतिस्मा, उसके बाद विश्वास, और उसके बाद हमें वो कर्म करने हैं जो प्रभु हमको बताता है। तो ये कर्म, ये विश्वास हम तभी कर सकते हैं जब हम शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में हो जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है 2 पत्रस में 2 अध्याय में कि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास हो जाता है। तो हम परमेश्वर से हार जाएं, बपतिस्मा लें और परमेश्वर से हार जाएं, हम उसके वश में हो जाएं, हम उसके दास बन जाएं, जैसा वो कहे हम वैसे ही करते चले जाएं। कहने का मतलब ये है कि बपतिस्मा, उसके बाद विश्वास, उसके बाद कर्म, ये हमें कहां पहुंचाते हैं? स्वर्ग की ओर लेकर जाते हैं। बपतिस्मा सिर्फ टिकट है स्वर्ग तक जाने के लिए। बपतिस्मे का अर्थ, जैसे अभी मैंने बताया, शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में हो जाना। लेकिन एक चीज और है कि हम जानेंगे बपतिस्मे का अभिप्राय क्या है, है ना, बपतिस्मे का मतलब क्या है। हम देखेंगे मत्ती 3 अध्याय और उसकी 14 और 15 देखें क्या लिखा है वहां पर। परंतु यूहन्ना यह कह के उसे रोकने लगा, जी मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, जी और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा उचित है। जी हाँ, हालेलुया। अभिप्राय यह है बपतिस्मे का कि इसी तरह से, यानी कि बपतिस्मा लेकर धार्मिकता को पूरा करना, ये एक धार्मिकता का काम है। बपतिस्मा यीशु मसीह ने भी लिया तो मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है। यीशु मसीह ने धार्मिकता को पूरा किया तो मुझे भी धार्मिकता को पूरा करना ही है। तो पहली बात क्या है, बपतिस्मे का अर्थ है शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में हो जाना। बपतिस्मे का अभिप्राय है धार्मिकता को पूरा करना। हालेलुया। और बाइबल क्या बताती है बपतिस्मे के बारे में, हम ध्यान से इस बात को समझें, सुने और इसको जानें कि बाइबल में क्या लिखा है बपतिस्मे के बारे में। एक वर्स और मैं पढ़वाना चाहूंगा, एक आयत और है, गलातियों 3:27। यहां पर भी बपतिस्मे के विषय में लिखा है। यहां पर पौलुस गलातियों की कलीसिया से कुछ बातचीत करता है और बताता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, जी उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत है हमें। लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। और बपतिस्मा लेने का जो अर्थ है वो शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में हो जाना है। लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम यीशु मसीह को क्या कर लेते हैं, पहन लेते हैं। जैसे कि ब्लेजर मैंने पहन रखा है तो मैं कहां पर हूं, मैं इसके अंदर हूं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह के अंदर चले जाते हैं और हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। और जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तब परमेश्वर को हम नहीं दिखते, मैं नहीं दिखता, आप नहीं दिखते, तब परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं। चाहे हम कैसी भी प्रॉब्लम में चले जाएं, कैसे भी दुख परेशानियां और संकट क्लेश में हम फंसे हुए हों, लेकिन परमेश्वर हमें पहचान जाएगा क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहन रखा है। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, फिर हम नहीं देखेंगे, परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह देखेंगे। और यीशु मसीह पवित्र है। और वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 6:14 से पढ़े क्या लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। जी हाँ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेलजोल, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, क्या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। हाँ, मसीह का बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं है। बलियाल का मतलब होता है ओछे और अनर्थकारी लोग।
है ना, उनसे कोई लगाव नहीं। और या विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता, है ना, विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। हालेलुया। बस तो यहाँ पर लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जीते। असमान जुए का मतलब होता है जिसमें कोई समानता ना हो। एक बैल का मुंह उधर है, एक का मुंह इधर है, तो उस पर जुआ सही नहीं बैठ सकता। एक बैल छोटा है, एक बैल बड़ा है, उस पर जुआ फिट नहीं बैठ सकता। इसीलिए यीशु मसीह का बलियाल के साथ कोई नाता नहीं है। यानी कि सीधे से अर्थों में आपको बताऊं कि शुद्धता का और अशुद्धता का कोई भी मेल नहीं है। जब यीशु मसीह पवित्र है, जब हमने उसको पहन लिया है, तो हमारे जीवन से यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का काम, यीशु मसीह की सोच, यीशु मसीह का व्यवहार, यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट होना चाहिए। यानी कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहे। मैं एक वर्ष और पढ़वाना चाहूंगा इसी संदर्भ में, रोमियो 13 अध्याय और उसकी 14 आयत में देखें क्या लिखा है। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो जी, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। जी हाँ, यीशु मसीह को पहनने का अर्थ मैं बता चुका हूँ, बपतिस्मा लेना, यानी यीशु मसीह को पहन लेना। यहाँ लिखा है कि वरन यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न ना करो। तो अपने शरीर की अभिलाषाएं, अपने शरीर की इच्छाएं कहाँ रह गई? पानी के बाहर, जब हमने बपतिस्मा लिया, जब हम डूब गए, जब हम बाहर आए, तब हमारे साथ क्या जुड़ गया? यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह की दृष्टि, यीशु मसीह की सोच, यीशु मसीह का चाल चलन, और खुद यीशु मसीह हमारे साथ जुड़ गए। अब हम पुराना जीवन नहीं जी सकते, हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते, हम किसी भी प्रकार का घमंड नहीं कर सकते, हम किसी की चुगली नहीं कर सकते, हम नशा नहीं कर सकते, हम व्यभिचार नहीं कर सकते। यानी मन जो भी बातें बाइबल में लिखी हैं जो हमें अधर्मी साबित करती हैं, वो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने किसको पहन लिया है? हमने एक पवित्र शख्सियत को पहन लिया है, हमने यीशु मसीह को क्या कर लिया है? पहन लिया है। तो जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो परमेश्वर को यीशु मसीह दिखते हैं। हालेलुया। और साथ में एक चीज और मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि यीशु मसीह परमेश्वर को तो दिखते ही हैं, शैतान को भी यीशु मसीह दिखते हैं। जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो शैतान हमें छूने भी नहीं पाता। हालेलुया। एक आयत में पढ़वाना चाहता हूं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और इसके 18 आयत में इस विषय में कुछ लिखा है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तब हमें उसके बाड़े में कवर हो जाते हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और इसकी 18 आयत में देखेंगे कि इस विषय में बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना ने क्या लिखा है। हम जानते हैं जी कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है जी वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है जी, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यह लिखा है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है बपतिस्मा लेना, एक और जन्म। एक बार हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं, एक बार हम बपतिस्मा लेने के बाद एक नया जन्म हमारा हो जाता है। अगर हम मैं इसमें अभी रुकूंगा थोड़ी देर के लिए, मैं एक बात और समझाना चाहता हूँ आपको। उपदेशक 7 अध्याय और उसकी 1 आयत में लिखा है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। यानी कि वो मृत्यु का दिन, यानी कि हम मर गए, डेथ हो गए हमारी और हमें कब्र में डाल दिया गया, वो मृत्यु नहीं। जन्म जब हम लेते हैं बपतिस्मा लेकर, उससे पहले जब हम पानी में जाते हैं हम मर जाते हैं। हालेलुया। वो मृत्यु का दिन हमारे लिए उत्तम है जब हमने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया। हालेलुया। हमने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया, वो नहीं। हमें मृत्यु का दिन हमारे लिए उत्तम है जब हम जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं। पहला यूहन्ना 5:18 में भी हमने पढ़ा कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, इसका मतलब परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है बपतिस्मा लेना। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया जो व्यवस्थापक था, उसने कहा कि हे गुरु मुझे बता के अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तब उसने कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। जाना तो दूर की बात है, वो देख भी नहीं सकता। इसका मतलब नया जन्म बहुत जरूरी है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम नया जन्म ले लेते हैं। लिखा है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। पाप का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। तो
जो पाप नहीं करता परमेश्वर उसको बचा कर रखता है, मतलब उसको कवर कर लेता है, जैसे कि अय्यूब के काम पर उसके परिवार पर परमेश्वर ने बाड़ा बांध रखा था, तब शैतान उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाया। इसी तरह से परमेश्वर जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं और हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो हम एक बाड़े में आ जाते हैं, हम यीशु मसीह में कवर्ड हो जाते हैं, उसके लहू में कवर्ड हो जाते हैं। तो यहां पर लिखा है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता और परमेश्वर उसको बचा कर रखता और वो दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। क्या कारण है कि दुष्ट उसे छूने नहीं पाता? उसका एक ही कारण है कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, तब शैतान को, दुष्ट को मैं या आप नहीं देखेंगे, तब उसको यीशु मसीह दिखेंगे और वो यीशु मसीह को छू ही नहीं सकता। उसकी हिम्मत नहीं कि यीशु मसीह को छू ले, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको लताड़ के एक बार भगा दिया था, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। और यही अधिकार प्रभु ने हमें भी दिया है, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमें एक अधिकार मिल जाता है कि हम शैतान से डरे नहीं, उसे लताड़ करके आए, शैतान दूर हो जा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के शैतान को पहले ही हरा दिया है। हम हारे वे से ना हारे बल्कि उसको लताड़ दें, उसको डांट कर अपने पास से भगाएं, क्योंकि याकूब 4:7-8 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो उसका सामना करना, उससे डरना नहीं, लेकिन हम कब कर सकते हैं? जब हम बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को जब हम पहन लेते हैं, जब हम पहन लेते हैं यीशु मसीह को, तो परमेश्वर को और शैतान को कौन दिखता है? यीशु मसीह। हम कितनी भी भीड़ में चले जाए कौन दिखेगा? यीशु मसीह दिखेगा, क्योंकि हमने यीशु मसीह को क्या कर रखा है? पहन रखा है, हम यीशु मसीह से कवर्ड है और हमें कोई भी दुष्ट छू नहीं सकता। हम कैसी भी मुसीबत भरे, वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है 23 अध्याय में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हम कैसी भी वादियों में चले जाए, अंधेरा हो, मुसीबतें हो, परेशानियों, हम बचते बचाते अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। जब यीशु मसीह को पहन लिया तो अब कौन दिख रहा है परमेश्वर को? यीशु मसीह। कौन दिख रहा है शैतान को? यीशु मसीह। शैतान छू नहीं सकता और परमेश्वर हमें सेफ रखता है, बिल्कुल सुरक्षित रखता है और हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा देता है। तो बपतिस्मे का अर्थ है शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में हो जाना, बपतिस्मे का अभिप्राय है धार्मिकता को पूरा करना। तीसरी बात, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं और फिर हम नहीं परमेश्वर को यीशु मसीह नजर आते हैं। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए आप, पूरे 4 गॉस्पेल पढ़ लीजिए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, कहीं पर भी परमेश्वर की आकाशवाणी ऐसे नहीं हुई कि बीच में कि कहीं भी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है मैं इससे प्रसन्न हूं। दो जगह, सिर्फ एक बार जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, मत्ती 5:3 और उसकी 17 और दूसरी बार जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, मत्ती 17:5 की 5, इन दोनों जगह परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। इसका मतलब है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जब पानी से ऊपर आते हैं तो कौन दिखता है परमेश्वर को? यीशु मसीह। उसके बाद जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई में आते हैं तब ऐसी कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन जब रूपांतर होता है यीशु मसीह का, वहां पर भी परमेश्वर की एक आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। तो इसी तरह से हम भी जब हमारा रूपांतर होगा आत्मिक रूप से, हम शारीरिक रूप से जब हम मर जाएंगे, आत्मिक रूप से जब हमारा रूपांतर होगा तब परमेश्वर की दृष्टि में हम परमेश्वर के संतान बन जाएंगे, हम उसके बेटे बेटियां बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हम में प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। हालेलुया। एक बहुत ही फेमस आयत है बाइबल की, यूहन्ना 3:16 है, सबको मुझे वाणी याद रहती है, वो मुझे भी याद है। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इकलौता बेटा था परमेश्वर का, यीशु मसीह, वो उसने हमें दे दिया। जब यीशु मसीह हमें मिल गए, परमेश्वर को कितने बेटे और बेटियां मिले? बहुत सारे मिल गए। एक था, वही दे दिया, और उसके बाद
आज अनगिनत बेटे और बेटियां परमेश्वर के पास हैं। जो लोग यीशु मसीह को पहन लेते हैं वही उसके बेटे और वही उसकी बेटियां हैं। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उस पर उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम भी यीशु मसीह के समान बन जाते हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर नहीं दिखता लेकिन परमेश्वर हमको देखता है। हालेलुया, परमेश्वर हमको देखता है। मैं एक और बात बता देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि बपतिस्मे के बाद परीक्षा, परीक्षा के बाद सेवकाई, बपतिस्मे के तुरंत बाद सेवकाई नहीं, उसके बाद परीक्षा जरूरी। हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उसके बाद जंगल में गए, 40 दिन का उपवास रखा उन्होंने और वहां पर उनके परीक्षा ली गई। उसके बाद यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी सेवकाई को अंजाम दिया और वो सेवकाई 3.5 साल की थी। यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया और उनको शिक्षा दी, उनको आज्ञाएं दी और उन्हें सिखाया। तो यीशु मसीह की सेवकाई, दो सेवकाई साथ साथ चली, चेलों के साथ अलग और लोगों के साथ अलग। चेलों को शिक्षा दी, चेलों को आज्ञाएं दी, लोगों को रोटी खिलाई, लोगों को चंगाई दी, लोगों को वचन सुनाया। तो बपतिस्मे के बाद एक बहुत बड़ी सेवकाई हमारा वेट कर रही होती है, हमारे इंतजार कर रही होती है। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तब परमेश्वर की दृष्टि हम पर आ जाती है क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहन रखा है। और जब परमेश्वर हमें देखता है तब एक बड़ी मिनिस्ट्री हमें देता है। शुरू से अगर हम देखें, जब मूसा लाल समुंदर पार होकर आया उसने बपतिस्मा लिया और लगभग 25-26 लाख लोगों के साथ एक बड़ी मिनिस्ट्री परमेश्वर ने उसको दी और मूसा ने इस मिनिस्ट्री को बखूबी निभाया और एक बहुत बड़ा बोझ लेकर वो उन लोगों को चलता रहा, उनके बीच में काम किए उसने और उनका मुखिया बन के चलता रहा, उनका अगवा बन के चलता रहा। फिर हम योना को देखते हैं, योना को जब मल्लाहों ने जब पानी में डाल लिया उसके जब बाद जब मछली ने उसको निगल लिया और जब उसे बाहर उगला उसका बपतिस्मा था, उसके बाद उसने एक बड़ी सेवकाई की और निनवे जो नगर था जहां पर सब लोग पापी हो गए थे वहां पर 1,20,000 लोगों को उसने मन फिराने का अवसर दिया। एक बड़ी मिनिस्ट्री वहां पर योना ने की। इसी तरह से हमें भी परमेश्वर एक बड़ी मिनिस्ट्री दे सकता है बशर्ते कि हम बपतिस्मे की गंभीरता को समझें। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक ऐसे ही काम नहीं है कि चलो बपतिस्मा ले लेते हैं स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बपतिस्मा एक मोहर है कि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, अब हम प्रभु में आ गए हैं। ये गारंटी नहीं है स्वर्ग तक जाने के लिए, उसके लिए हमें एक सेवा को पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए हमें विश्वास में बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें कर्म करने पड़ेंगे। हालेलुया। तो जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि हमने किसके नाम से बपतिस्मा लिया है। जरूरी यह है कि बपतिस्मे के बाद हमारा जीवन कैसा है। बपतिस्मे के बाद क्या हम आज भी गालियां दे रहे हैं? बपतिस्मे के बाद क्या आज भी हम गुटखा खा रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं? बपतिस्मे के बाद आज भी क्या हम चुगली कर रहे हैं? बपतिस्मे के बाद आज भी क्या हम लड़ाइयां कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं? बपतिस्मे के बाद आज भी क्या हम व्यभिचार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? बपतिस्मे के बाद आज भी क्या हम क्रोध में भरे रहते हैं? बपतिस्मे के बाद आज भी क्या हमें हर एक प्रकार का घमंड है? नहीं, ये सारी शारीरिक बातें हैं। अगर हम गलातियों 5:19 में पढ़े तो वहां पर लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, तो ये प्रकट काम हमें कहां पर छोड़ देने हैं? बपतिस्मा लेने से पहले उनको छोड़कर हमें बपतिस्मे के लिए पानी में डूब जाना है, मर जाना है। उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं पानी के तब एक नया जीवन हमको मिलता है, तब सारी बातें चेंज हो जाती हैं, हमारी जुबान, हमारा विचार, हमारी दृष्टि, हमारा चाल चलन सब कुछ नया बन जाता है और हमें उसी में आगे बढ़ते 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 एक बड़ी सेवकाई का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि सेवकाई हम अपने आप से नहीं चुन सकते, वो चुनाव परमेश्वर की तरफ से होता है कि वो हमें कौन सा वरदान कब देना चाहता है। इसलिए हमें प्रार्थना में रहकर, उपवास में रहकर प्रतीक्षा करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें कौन सी सेवकाई देना चाहता है। इसीलिए
मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ कि हम इन वाद विवाद में ना पड़े कि हमें किसका नाम का बपतिस्मा लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए। बात सिर्फ बपतिस्मे की है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर कोई कहता है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो या पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तो एक सवाल मेरे मन में आता है कि जब दो डाकू यीशु मसीह के इर्द गिर्द जब लटकाए गए, तो उनमें से एक डाकू ने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था, जबकि मरकुस 16:15 में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और यहां से यहां पर अगर हम पूछें तो लोग कहते हैं कि उसने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर, इसीलिए उसको यीशु मसीह ने वायदा कर दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लेकिन ये बात गलत है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब मरकुस 16:15 गलत है, वो झूठ लिखा है कि जो बपतिस्मा ले और विश्वास करे उसी का उद्धार होगा। ऐसी बात नहीं है, उस डाकू ने भी बपतिस्मा लिया था। वो आयत में पढ़वाना चाहता हूँ, निकालेंगे रोमियो की पत्री 6 अध्याय और 1 आयत से पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते नहीं कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए जी, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? जी हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। डाकू ने कहा, हे यीशु, जब तू अपनी महिमा में आए तब मेरी शुद्धि लेना, अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। जब डाकू ने यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना, तब यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो रोमियो 6 अध्याय की 1 आयत में हमने पढ़ा कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। जब हम पाप के लिए मर गए, हमने मरने का मतलब बपतिस्मा ले लिया, तो पाप तो पीछे छूट गया। अब जब मर के जब हम बाहर निकले, तब हमें कहाँ बढ़ना है? पुण्य की ओर, धार्मिकता की ओर, पवित्रता की ओर, आध्यात्मिकता की ओर, भलाई की ओर, इस ओर हमको बढ़ना है। वो चीज खत्म हो गई। बार बार पाप करने से क्या हो जाएगा? उसमें लिखा है, पत्रस ने अपनी पत्री में कहा है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर धुएं सोरनी कीचड़ में लौटने को फिर चले जाते हैं। एक बार जब हमने धर्म को जान लिया, हम फिर वापस चले जा रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद फिर वही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम तो जानवे सरीके हो गए। हमने फिर वही काम करने शुरू कर दिए, और सुअर को जितना मर्जी अच्छे साबुन से नहला दो, फिर कीचड़ में चला जाता है। तो डाकू से जो यीशु मसीह ने वायदा किया था वो झूठा नहीं है। डाकू ने भी बपतिस्मा लिया, और वो बपतिस्मा था मृत्यु का बपतिस्मा। वो यीशु मसीह के साथ मरा, यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, यीशु मसीह के साथ जी उठा, ये उसका बपतिस्मा था। और उसके बाद विश्वास तो वो कर ही चुका था, है ना, विश्वास वो कर चुका था, क्योंकि लिखा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में, उसने यीशु मसीह का नाम लिया। और प्रेरितों के काम 2:21 में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। उसने नाम तो ले लिया, उसने विश्वास तो कर लिया, रह गया था बपतिस्मा। वो बपतिस्मा उसने यीशु मसीह के साथ मरा, यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, यीशु मसीह के साथ जी उठा और सीधा स्वर्ग चला गया। यहां पर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि उसने किसके नाम का बपतिस्मा लिया। ये चीजें हमें क्या करती हैं, धार्मिकता से आत्मिकता से परे ले जाती हैं, और हम उलझन में फंस जाते हैं कि अब हम क्या करें, और वहीं पर ही आकर हम पर शैतान अटैक कर देता है। तो इन चीजों से बाहर निकलकर हमको आना है। हमें एक बात ये देखनी है कि जरूरी क्या है। जरूरी ये नहीं है कि हमने किसके नाम का बपतिस्मा लिया है, जरूरी यह है कि हमने कैसा बपतिस्मा लिया है। हमने अपने आप को शुद्ध, मन को, अपने मन को शुद्ध करके परमेश्वर के वश में कर दिया है या नहीं। हमने धार्मिकता को पूरा किया है या नहीं। हमने यीशु मसीह को पहन लिया है या नहीं। हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है या नहीं।
हमने विश्वास के साथ कर्म किए हैं या नहीं। यही बपतिस्मे का मतलब है, यही बपतिस्मे का अर्थ है, यही बपतिस्मे का अभिप्राय है। और परमेश्वर यही चाहता है, उसने एक विधि बनाई कि मनुष्य जब बपतिस्मा लेगा और उसके बाद विश्वास में आगे बढ़ेगा और वैसे ही कर्म करेगा, तब उसके लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो परमेश्वर